उम्मीद करता हूँ ऐसा पहली बार नहीं कि धर्म परिवर्तन के नाम पर कश्मीर जला हो। एक बार फिर से बीते दिनों जिस तरह से आपने सुना कि दो सिख बेटियों को जबरन अपहरण किया गया, उसके बाद तमाम जितने भी लोग हैं सिख समुदाय के उन्होंने नाराजगी जताई, नाराजगी इस कदर जताई कि लोग सामने आए, क्योंकि धर्म परिवर्तन के नाम पर कश्मीर में बहुत सारी ऐसी वारदातें पहले भी हुई हैं। तो अब बातचीत करेंगे क्योंकि सिख यूथ सेवा ट्रस्ट के चेयरमैन तेजिंदर सिंह जो है उन लोगों के खिलाफ FIR लगवाने जा रहे हैं जो सोशल मीडिया में विभिन्न प्रकार की टिप्पणियां कर रहे हैं, जिसमें आपसी भाईचारे में रंजिश आ सकती है, जिसमें आपसी भाईचारा टूट सकता है। तेजिंदर जी, क्या लगता है ऐसे लोग जो फेक IDs का भी सहारा लेते हैं कितना नुकसान हो सकता है भाईचारे को? देखिए, ये नुकसान इस हद तक जा सकता था कि मैं जम्मू कश्मीर की बात ना करूं, पूरे देश विदेशों में ये माहौल ख़राब हो जाना था, क्योंकि वो कमेंट ही कुछ इस प्रकार के थे जो मैं आपके चैनल्स के राही उस कमेंट का जिक्र नहीं कर सकता। सीधा और सीधा अटैक हमारे गुरुओं पे किया गया, सीधा हमारी बहू बेटियों पे अटैक किया गया, पर अफसोस कहाँ है हमारे ये जो साइबर क्राइम वाले हैं जिन्होंने इतना बड़ा साइबर क्राइम सेल एक बनाया हुआ है और अभी तक वो इन लोगों को लोकेट नहीं कर पाते। हमने आज से भी पहले कई बार पुलिस स्टेशन में आके FIR करवाई है जब कुछ ऐसे कमेंट्स और ऐसी गंदी भाषाएं यूज़ की जाती हैं। हम लोग एक कानून के दायरे में रहने वाले लोग हैं, हम लोग कानून पे विश्वास रखने वाले लोग हैं। हम लोगों ने सबसे पहले जब लड़कों के साथ हमारे बदतमीजी की गई, माँ बहन की गालियाँ तक निकाली गई, मैंने अपने लड़कों को मना कर दिया। जब इन्होंने मेरे तक बात पहुँचाई, मैंने इनको मना कर दिया कि भाई आप कोई भी ऐसा एक्शन ना कीजिए जिससे हमारी स्टेट का, इस देश का माहौल जो है वो ख़राब हो। हम नहीं चाहते कि इस माहौल को ख़राब किया जाए। तो इस चक्कर में हमने इन लड़कों को, क्योंकि देखिए ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दो हाथ से बजती है, अगर कोई शेर है तो दूसरा सवा शेर है, इस चीज़ को मद्देनजर रखें। आपको क्या लगता है जिस तरह से अपहरण का मामला सामने आया, जबरन धर्म परिवर्तन जो है वो किया गया, आपको क्या लगता है कि इस तरह से पहले भी जो है वारदातें हुई हैं, अभी भी हो रही हैं, तो इसको रोकने के लिए सरकार को कुछ ऐसा निर्णय? देखिए, ये मैंने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ शब्दों में ये चीज़ का जिक्र किया था कि हमें जैसे मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, UP में एक एंटी रिलीजियस मैरिज एक्ट है कि कोई भी अगर किसी दूसरे धर्म में शादी करे तो वो घर की रजामंदी के साथ करे। तो ये इन चीज़ों का जिक्र मैं कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर चुका हूँ, बट अफसोस कि अगर हमने अपनी बहू बेटियों के लिए आवाज़ उठाई और कुछ शरारती तत्व जो जम्मू में बैठ के हमारी बहू बेटियों को, हमारे गुरुओं को गालियां निकालें, और उनमें क्या फ़र्क रह गया, और उनमें और जो एंटी नेशनलिस्ट है उनमें क्या फ़र्क रह गया? जो फेक IDs बना के जो ये भाई, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, ये फेक IDs नहीं है, उन्होंने फ़ोन नंबर दे के हमसे बात तक की है। कौन कहता है फेक ID है? उन्होंने फ़ोन नंबर दे के अपना एड्रेस दिया हमें कि यहाँ पे आ जाओ, हम लोग आपका वेट कर रहे हैं। क्या होता, यहाँ से 50-100 लड़के चले जाते, वहाँ से आ जाते, क्या होता, आपस में क्लैश होता, देश जम्मू का माहौल ख़राब होता, उसका जिम्मेवार कौन है, तब क्या होता? फेक IDs नहीं है, फेक IDs 100 में से 10 हो सकती हैं, 100 की 100 फेक IDs नहीं होती भाई साहब। मेरे पास स्क्रीनशॉट है, हर एक इंसान के स्क्रीनशॉट है जिसने ये बोली है, क्या वो सब फेक हैं? उनके नंबर हैं जो फ़ोन पर बात कर रहे हैं, क्या वो फेक हैं? और सबसे बड़ी बात, एक पेज बना है जिसके ऊपर लिखा गया है सामा जम्मू अपडेट। देखिए, एक न्यूज़ चैनल का नाम उसने रखा हुआ है सांबा जम्मू अपडेट, और दूसरी तरफ वो इतनी गंदी और बद्दी पोस्टें डाल रहा है, शर्म आती है मुझे ऐसे पेजों पे। और इसके ऊपर अगर लगाम ना कसी गई तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें, ये आने वाले दिनों में ये माहौल ख़राब हो जाएगा। और इवन कि वो शख्स एक जिम ट्रेनर है, जिम ट्रेनर के खाते उन लड़कों को बोलता है, मैं ये चीज़ नहीं बोलना चाहूँगा, मतलब जिससे इस चीज़ का माहौल ख़राब हो उस चीज़ को लेके वो बोलता है, आप उसको गाली दो, मैं आपको फ्री ट्रेनिंग दूंगा 1 साल की। क्यों दें हम किसी को गाली यार? अगर मैं आपके धर्म को गाली नहीं देता, आप मेरे धर्म को गाली क्यों देंगे? इसका क्या मतलब है? गाली देने का क्या मतलब है फिर, मुझे बताइए। हम लोगों में और इनमें और जिन्होंने परसों की डेट में ये जो वाकया धर्म परिवर्तन का किया, इनमें और उनमें क्या फ़र्क है? इनमें और उनमें कोई फ़र्क है? नहीं है। मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन से और अपने पुलिस प्रशासन से यही मांग करूंगा, हमें एक आश्वासन दिया जाए, कल की नहीं आज की डेट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐसा एक आश्वासन दिया जाए कि जितने भी सोशल मीडिया पे कोई किसी भी धर्म के खिलाफ, मैं नहीं कहता पर्टिकुलर सिख धर्म के खिलाफ, अगर हमारे सिख धर्म के कोई ग्रुप है, अगर हमारे सिख धर्म का कोई सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, किसी जगह पे भी कोई ग्रुप है जिसमें आपको लगता है कि वो गलत कर रहा है, आप उसको भी वही सजा दीजिए जो एक एंटी नेशनलिस्ट को देते हो। इसकी सजा एक ही होनी चाहिए, एंटी नेशनलिस्ट। जब तक ये सजा नहीं दी जाएगी, जब तक ऐसा नहीं
एक्शन अप्लाया जाएगा, ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। आपको ये नहीं लगता कि अगर किसी भी बेटी के साथ ऐसा हो, अपहरण हो, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन हो, तमाम जितने भी कम्युनिटी को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आकर आवाज उठानी चाहिए? ये आप लोग सोचते हो, हम लोग सोचते हैं, पर ये जो कुछ ये जो बदतमीज लोग हैं, इन लोगों को इन चीजों की परवाह नहीं है। ठीक है, एक तरफ आप आपसी भाईचारे का पश्चिम लहला रहे हो और दूसरी तरफ आप इतनी भद्दी लैंग्वेज और इतनी गंदी लैंग्वेज सोशल मीडिया में यूज कर रहे हो। एक तरफ आप जम्मू को एक फूलों का गुलदस्ता बना रहे हो और दूसरी तरफ आप ऐसी बातें करके आपस में ही बैर फैला रहे हो। कहाँ की इंसानियत आपके ऊपर? मेरे को शर्म आती है इन जैसे लोगों पर। तो अब हमने यही सोचा है, हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि जब तक कानून है, अगर कानून कोई हमारा साथ नहीं देगा, फिर उसके बाद देखेंगे हमें क्या करना। चलिए, शुक्रिया। तेजिंदर सिंह से बातचीत कर रहे थे, सिख यूथ सेवा ट्रस्ट के चेयरमैन हैं और नाराज दिख रहे हैं। नाराज इसलिए इस कदर दिख रहे कि सोशल मीडिया में जो कमेंट बॉक्सी चल रही है, जो टिप्पणियाँ जो है हो रही हैं, उसको लेकर ये जो है उन कुछ शरारती तत्वों के खिलाफ जो है FIR करवाने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है ये खबर देकर? आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। तमाम जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरें लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँगा। अब लोग देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। कैमरा अभिषेक कुमार के साथ, चाहे हिंद।